जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022, वो भर्ती जो कि मृतक आश्रित के रूप में पीएससी, फायरमैन और कर्मशाला कर्मचारियों के लिए जो आयोजित की गई थी, तो उसका फाइनली जो चयन परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो ये शॉर्ट वीडियो है मेरी, जिसमें मैं थोड़ी देर में ही आप लोगों को उसके परिणाम के संबंध में जो सूचना है वो देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। तो आप लोग uppbpb.gov.in पर जाकर कर्मशाला कर्मचारी, पीएससी, फायरमैन इत्यादि का जो रिजल्ट है, जो मृतक आश्रित के रूप में जो भर्ती आयोजित कराई गई है, तो उसका जो चयन परिणाम है आप लोग ऑफिशियली साइट पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम आ चुका है, ठीक है, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो पद हैं वो निकाले गए थे। ये भर्ती बिल्कुल अब समापन की ओर है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वो कुछ ना कुछ निरंतर करता जा रहा है, सिवाय यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो नहीं आ पा रही है। बस उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट हैं वो आ रहे हैं, वो कब तक आएगी। तो देखिए, उसका जवाब भी आपको मतलब आज की इस वीडियो में आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। उस भर्ती के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि ये भर्ती सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी या नवंबर में आएगी। उसका एक अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब सितंबर चल रहा है और जो संशोधित होने के लिए नोटिफिकेशन बोर्ड के पास गया हुआ है तो वो लौट कर आ भी गया होगा इनके पास में, लेकिन ये लोग जो फ़िलहाल सत्ता में हैं, सत्ताधारी हैं, ये लोग रोज़गार देना नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए इस भर्ती को डिले किया जा रहा है। इसके संबंध में नहीं कहा जा सकता कि ये भर्ती कब तक आएगी, ठीक है भैया, इस पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को बता दूं कि भाई तब आएगी, अब आएगी, क्योंकि झूठ बोलते 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 हम बिल्कुल पूरी तरीके से गए हैं थक। झूठ बोलना नहीं है, स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताना है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है तो बिल्कुल हमारे पास से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर हमें थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलेगी तो वो बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचाएगी जाएगी। अभी कोई पता नहीं है कि कब आवेदन इसके लिए शुरू होंगे। जैसे ही कोई सूचना मिलती है या फिर आने के संबंध में कोई जानकारी कहीं भी किसी से भी किसी भी प्रकार की मिलती है तो आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाएगा कि भाई अब भर्ती आ गई है, अब आप लोग आवेदन डाल सकते हैं, या फिर 10-5 दिन 20 दिन पहले बताया जाएगा कि वे भर्ती आ रही है। अभी कोई सूचना किसी भी यूट्यूबर के पास में नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, किसी की बात कोई भी सूचना किसी प्रकार की नहीं है। तो अपना कर्मशाला कर्मचारी, मृतक आश्रित की जो भर्ती हैं, पीएससी, फायरमैन, इनके लिए जो भर्ती निकाली गई है उसका चयन परिणाम आ गया है भैया। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जय हिंद।